प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप साइनस या साइनसाइटिस इन्फेक्शन का नेचुरोपैथी से इलाज कर सकते हो। तथा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर विनोद नेचुरोपैथी के ऊपर प्रैक्टिस करता हूं पिछले 15 सालों से। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है उसको बताने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जब किसी को साइनस या साइनसाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके सिम्टम्स ये हो जाते हैं कि बहुत समय तक उसको सिर में दर्द महसूस होता है। जहां जहां उसकी स्किन है उसके अंदर, नाक के पास और आंखों के नीचे पेन महसूस होता है। तो इसके केसेस बहुत सारे हैं, मीन्स वायरस है, बैक्टीरिया है, अलर्जी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके लाइफ स्टाइल से संबंधित। तो कोई भी रीजन हो बट इस समस्या का इलाज है नेचुरोपैथी में। तो बताएंगे हम सबसे पहले फोकस ऑन सॉल्यूशंस इंस्टेड प्रॉब्लम। देखिए, साइकोलॉजिकली जब तक आप इसी समस्या से फाइट करने के लिए प्रिपेयर नहीं होते तब तक कोई समस्या हल नहीं होती है। तो 30 दिन के लिए, सुबह 9 बजे का टाइम, शाम को 6 बजे का टाइम, आपने एक ही थिंकिंग रखनी है। वो है कि आपने सॉल्यूशन के ऊपर फोकस रखना है तथा ना कि आपने प्रॉब्लम्स के ऊपर। सॉल्यूशन ये है, 2 से लेकर 6 तक 5 सॉल्यूशंस मैंने आपको दिए हैं, सिर्फ इसके ऊपर फोकस रखना है। देखो क्या होता है, मान लीजिए आप को यह समस्या बचपन से है, 5 साल से है, 6 साल से है। आप उस टाइम से लगातार यही सोच रहे हो, नहीं मैंने इतनी दवाइयां खा ली, मैंने ये कर लिया, इसके ऊपर इतना खर्च कर लिया, बट इन्फेक्शन नहीं गया, पेन वैसे का वैसे है। तो आप जो है ना, आपकी जो साइकोलॉजी है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर फिक्स्ड हो चुकी है, बट आपने अभी सॉल्यूशन के ऊपर फोकस होना है। देखो क्या होता है, इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब आप सोचते हो अपनी समस्या के ऊपर, बार बार सोचते हो, उससे जो आपके इन्फेक्शन वाले ब्लड सेल हैं उनकी संख्या इंक्रीज हो जाती है। मान लो कि एक वायरस है या इन्फेक्शन वाला सेल है, जब आपने समस्या के ऊपर थिंक किया या सोचा, इसकी संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी। दूसरी बार सोचो, तीसरी बार सोचो, 5 साल से, 6 महीने से, जितनी बार ही इंक्रीज करोगे इनकी संख्या इंक्रीज होती जाती है। एक से कई हजार गुना आपने उसको इंक्रीज कर दिया है। सिर्फ अब आपने अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, क्योंकि इससे फाइट करने वाले जो ब्लड सेल हैं जो इससे फाइट करेंगे वो तब तक नहीं आ सकते जब तक आपने सिर्फ फोकस सॉल्यूशन के ऊपर नहीं रखोगे। तो आज से सुबह 9 बजे का टाइम, शाम के 6 बजे का टाइम, नॉन स्टॉप 30 दिन के लिए ये जो सॉल्यूशंस हैं इनके ऊपर आपने सोचना है। चलते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, थक जाओ बैठ जाओ, उसके बाद फिर सोचो, हाँ ये सॉल्यूशन है, इसमें कितने इंप्रूवमेंट हुई है, क्या मैं इसका 1% गोल अचीव कर चुका हूं, क्या इसका मैं 5% गोल अचीव कर चुका हूं, कितने इंप्रूवमेंट हुई है, इस विषय में आपने सोचना है। इंप्रूवमेंट के विषय में सोचना है, सॉल्यूशंस के विषय में सोचना है। इससे बेटर सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी हो सकता है जो ये सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, इसमें कोई इंप्रूवमेंट भी की जा सकती है। तो इस विषय में आपने सोचना है। ओके, तो सॉल्यूशंस मैं आपको बता देता हूं। 30 दिन इसको आपने फॉलो करना है। आपके साइनस या साइनसाइटिस इंफेक्शन जो है वो टोटली खत्म हो जाएगी, चाहे आपको बचपन से है, क्योंकि बचपन से जुकाम की समस्या, बलगम की समस्या कई बच्चों को होती है, वो जवानी तक चलती है।
नाक बंद रहता है उनका, तो इस सॉल्यूशन से जिंदगी भर के लिए ये समस्या खत्म हो जाएगी। फर्स्ट रनिंग 0 to 5 किलोमीटर, सेकंड वॉकिंग 0 to 10 किलोमीटर। ये 15 साल के एक्सपीरियंस में ये जो दो नियम है उसको मैंने फॉलो किया तथा काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। आपका पहला गोल है, मैं मान के चलता हूं कि आपने कभी भागा नहीं है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करो। 1000 मीटर, 500 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, छोटा गोल रखिए, सब गोल बनाइए, स्टार्ट कीजिए भागना। उसके बाद वॉकिंग, ठीक है, आप चलते भी नहीं हो, ठीक है, बहुत सारे लेडीज हो सकती हैं चलती नहीं है, घर का काम होता है, तो जीरो से स्टार्ट कीजिए, 50 मीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चलिए। अब इस दो गोल को बनाने का क्या लॉजिक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत साइंटिफिक है। देखो जब हम भागते हैं तो ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होती है, बहुत फास्ट से हमारे नाक से ऑक्सीजन जो है बॉडी में जाती है, ओके, तो जो बॉडी में गई ऑक्सीजन उसने जाते ही जो सेल्स बनाएंगे ब्लड में वो उन सेल को किल करने के लिए बनेंगे, यानी इन्फेक्शन वाले सेल को खत्म करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए नए सेल बनते हैं। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में हो प्योर, तो भागने से तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आ जाती है, कई गुना ज्यादा, क्योंकि आप भागते हो, लंबा सांस लेते हो, तो उससे क्या है, बहुत छेती 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 आपके जो इंफेक्टेड वाले सेल्स हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो डेड हो जाएंगी, एलर्जी आपको बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बलगम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जुकाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा वॉकिंग, उसके बाद भी आप पैदल चलिए, यानी इनहेंस कीजिए, ऑक्सीजन अंदर लेके आनी है, वो वायरस को खत्म कर देगी, आपके इंफेक्शन वाले सेल्स को खत्म कर देगी, आप अच्छा फील करोगे। तो सोल्यूशन है हमारे पास, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक इसके ऊपर आपने सोचना है और एक्ट अपॉन करना है। स्टॉप नॉन वेज, ईट फिश टोटली। देखो क्या होता है कि जब कोई जीव की डेथ होती है तो इस यूनिवर्स में जितने भी वायरस हैं उसको कंज्यूम करने के लिए आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, कंज्यूम हो जाए, गंदगी ना हो इस नेचर में, तो वो जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो भैंस है, ठीक है, आप क्या करते हो, उनका मीट खाते हो, वो वायरस भी जो उनके जो खाई देते हैं आंखों से वो भी आपके अंदर चले जाते हैं, तो उससे आपको साइनस और साइनसाइटिस जो की समस्या आती है, ठीक, क्योंकि आपके अंदर वो गए हैं, इसलिए टोटली स्टॉप, टोटली फॉलो करके देखिए आप 30 दिन के लिए, स्टॉप टू ईट ऑयली फूड, जितना भी तला हुआ सामान है बाजार का, बहुत सारा तला हुआ सामान है बिल्कुल नहीं खाना, गला खराब रहता है इससे, क्योंकि ऑयल गले में अटक जाता है तो वहां इंफेक्शन वाले सेल क्रिएट हो जाते हैं, वायरस क्रिएट हो जाता है, तो इससे आपको क्या है कि यह समस्या पैदा हो जाती है, तो ये है बिल्कुल स्टॉप कर देना है। स्टॉप कोल्ड वाटर एंड ड्रिंक्स, ये जो है ठंडा पानी, ज्यादा ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स है, ये असल में हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर को गर्म करने में एनर्जी यूज होती है, उन सेल्स को जो इंफेक्शन वाले सेल को उनको खत्म करने की जगह पे यहां यूज हो रही है, तो मिस यूज ऑफ एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपकी बचेगी, यहां जो है आपका इंफेक्शन वाले सेल को किल करने में मदद मिलेगी इस एनर्जी से। तो यह जो 5 नियम है इसके ऊपर आपने फोकस रखना है, तो मुझे उम्मीद है कि 30 दिन के अंदर 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 आपकी यह समस्या हल हो जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर है नोट कर लीजिए, 9352834925, ओके, थैंक यू, एक बार फिर रिपीट करता हूं, 9356234।
9 to 5. Thank you.